और जैसे कि आप जानते हैं, यह है सुहाना की स्कूल और यहाँ पर क्ले कंपटीशन चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज आपका क्ले कंपटीशन है और आप सबको क्ले से किचन सेट बनाना होगा और जो भी फर्स्ट आएगा उसे ये बोर्ड दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप सब रेडी है? यस टीचर, हम सब रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं छिंकी से। अरे ये क्या, सबसे पहले मेरा ही नंबर आ गया है। अरे मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले हाँ चलो फोल पार्ट और बेलन बनाती हूँ। दिन निकलते ही मम्मा उसके ऊपर लोटी डालती है। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। और बेलन बनाना तो कितना ही ज्यादा आसान है, चलो अब जल्दी से बनाती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। अरे हाँ टीचर, बना रही हूँ, बस मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। अरे क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मेरी मम्मा सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करती है, याद करती हूँ। अरे वह याद आ गया, मेरी मम्मा पेन ज्यादा इस्तेमाल करती है पप्पा की पिटाई करने के लिए। चलो मैं वो ही बना लेती हूँ। चलो जल्दी से बना लो। अरे अब मैं क्या बनाऊं, मैं तो ललका हूँ, चलो सुहाना से मदद लेता हूँ। अरे सुहाना प्लीज मुझे कोई आइडिया दो ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊं। अरे ये पिंकू का बच्चा कुछ ज्यादा ही सुहाना कर रहा है, खुद का दिमाग कभी चला ही नहीं रहा है, बस आज आके उसे ही पूछते रहता है। अरे पिंकू तुम सोच रही हो कि तुम्हें क्या कहूँ। अरे हाँ आइडिया, तुम एक काम कर लो, तुम चूल्हा बना लो जिसके ऊपर तुम्हारी मम्मा खाना बनाती है। अरे वाह चुहाना, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। क्योंकि मैं दिन रात देखता हूँ चूल्हे को, मम्मा बस वहाँ पर ही खाली रहती है, कभी ये बनाती है कभी वो बनाती है। मैं तो बहुत अच्छे से चूल्हा बना लूंगा, थैंक यू सो मच सुहाना आइडिया देने के लिए। अरे ये पिंकू का बच्चा इतना खुश हो रहा है जैसे कि बहुत अच्छा चूल्हा बनाने वाला है। मैंने तो कितना अच्छा पैन बनाया है, मेरे जैसा तो पैन कोई भी नहीं बना सकता। देखना मैं ही फर्स्ट आऊंगी और मुझे ही मिलेंगी वो चमचमाती हुई बोर्ड। अरे चलो मैं चूल्हा बनाता हूँ। अरे वाह पिंकू, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। नेक्स्ट, अब
अब सुहाना तुम्हारी बारी है। अहले अब मैं क्या बनाऊं? अहले बात चलो अब मैं कुकल ही बनाती हूँ। सभी स्टूडेंट्स कितने एक से एक चीजें बना रहे हैं। अब ना जाने कौन फर्स्ट आएगा और किसे मिलेंगी चमचमाती हुई बोर्ड। नेक्स्ट सोफिया अब तुम्हारी बारी है। चलो मैं कल बत्ता ही बना लेती हूँ। किसी ने चूल्हा बना लिया है तो किसी ने खलबत्ता बना लिया और सुहाना ने तो कुकल बना लिया है। इस तड़कती हुई गर्मी में तो मुझे ज्यादा पानी की प्यास लगती है। चलो मैं यही चेक करती हूँ कि मैं गिलास ही बना लेती हूँ। ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज कलाई है जिसके अंदर मम्मा दिन रात पकौड़ी तलती रहती है मेरे लिए। चलो अब मैं कलाई ही बनाती हूँ। सभी स्टूडेंट्स ने बना लिए हैं। चलो मैं चेक करती हूँ। छिंकी तुमने पोलपाट और बेलन बहुत अच्छा बनाया है और पिंकी तुमने भी पैन बहुत अच्छा बनाया है। वाह पिंकू तुम्हारा चूल्हा बहुत अच्छा दिख रहा है और सुहाना तुमने भी कुकर बहुत अच्छा बनाया है। ओह सोफिया ने खलबत्ता बनाया है और रिंकी तुमने तो गिलास बनाया है और मिंकी ने कढ़ाई बनाई है। अहले अब ना जाने टीचर को किसका पसंद आएगा। अहले देखना मेरा ही पेन पसंद आया होगा मैडम को। मैंने ऐसा बनाया ही है ऐसा दिल कहला है इसके अंदर ऑमलेट टल्लू। अहले नहीं मैंने भी पोलपाट बेलन अच्छे से बनाया है। चलो मैंने सोच लिया है। स्टूडेंट्स आप सबने बहुत अच्छी चीजें बनाई है लेकिन सबसे अच्छा पिंकू और सुहाना ने बनाया है। अहले नहीं ये तो टाई हो गया। पिंकू और सुहाना में टाई हो गया है। अब तुम दोनों का कॉम्पिटिशन होगा। तुम दोनों में फिर से कंपटीशन होगा। अरे ये क्या सुहाना मैंने सोचा भी नहीं था कि मेला चूल्हा मैडम को इतना पसंद आएगा। अरे पिंकू अच्छी बात है ना हम दोनों दोष में टाई हो गया है। चलो अब लेडी हो जाओ ना जाने मैडम हमें क्या टास्क देंगी। चलो पिंकू और सुहाना तुम दोनों का भी टास्क शुरू होने जा रहा है और तुमको एक मिनट दिए जाएंगे। तुमको एक मिनट के अंदर ही जो चीज हम बोलेंगे वही बनाना होगा। तो आपका टास्क ये है कि जो आपकी मम्मा सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल करती है वही आपको बनाना है। चलो सबसे पहले पिंकू बनाएगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अरे ये क्या टाइम तो शुरू हो गया है। अरे मैं क्या बनाऊं। अरे वाह याद आ गया मेरी मम्मा लिपस्टिक ज्यादा इस्तेमाल करती है। चलो अब जल्दी से लिपस्टिक बनाता हूँ। अरे वाह चलो मेरी लिपस्टिक तो रेडी हो गई है और टाइम भी खत्म हो गया है। चलो सुहाना अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है। मेरी मम्मा सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करती है। अरे वाह याद आ गया। चलो अब जल्दी से बना लेती हूँ। अरे वाह मेरी पकड़ लेती है। मेरी मम्मा को खाना बनाते वक्त पकड़ ज्यादा लगती है नहीं तो उन्हें चटका लग जाते हैं। चलो स्टूडेंट्स तुम दोनों का भी टाइम खत्म हो गया है अब मैं चेक करती हूँ। अरे पिंकू तुमने ये क्या बनाया है। अरे टीचर आपने कहा था ना कि आपकी मम्मा जो भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती होंगी तो वो बनाओ। मेरी मम्मा लिपस्टिक ज्यादा इस्तेमाल करती है इसीलिए मैंने लिपस्टिक बनाई है। अरे वाह सुहाना तुमने पकड़ बनाई है। मेरी मम्मा को ज्यादा पकड़ की जरूरत पड़ती है जब वो खाना बनाती है ना तो उन्हें चटका ना लग जाए इसीलिए वो ज्यादा इस्तेमाल पकड़ करती है। वेरी गुड सुहाना ये हुई ना बात। अरे ये सुहाना कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है।
जो बच्चों रिजल्ट आपके सामने मौजूद है, सुहाना फर्स्ट आई है। ये मैं फर्स्ट आई हूँ, ये मेरी बोर्ड है। अहले वाह कितनी अच्छी बोर्ड है मेरी तो। चलो शिवपल बैठ कर देखती हूँ। अहले वाह टीचर मुझे ये बोर्ड बहुत ज्यादा पसंद आई। हाँ सुहाना तुम्हें वो पसंद ही आएंगी, खोलू सर ने लेकर आया है। चलो स्टूडेंट्स अब मेरे सब आखिरी ऐलान पर ध्यान दें। आप सभी की समर वेकेशन की छुट्टियां लग गई है, आप सब घर पर जा सकते हैं और सबको 15 जून को स्कूल में आना है। ये है भाई स्कूल की छुट्टी लग गई है। एक महीने बाद आना। अरे चलो पिंकू तुम भी आकर बैठ जाओ, हम इसके ऊपर ही बैठ कर घर पर जाएंगे। अरे वाह सुहाना तुम्हारी बोर्ड के ऊपर तो बहुत मजा आ रहा है। अरे देखो दोनों भी कितना ज्यादा इतलाते हुए जा रहे हैं घर पे। अब जाने दो, ये स्कूल में तो अब एक महीने बाद ही आना है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा जी चलता हूँ, दुआओं में याद लखना, मेले जिकल का जुबा पे जुबान लखना। अरे वाह चलो सभी बच्चे घर पर चले गए हैं, अब मैं सभी उठा लेती हूँ। और मुझे तो ये बात की खुशी हो रही है, समर वेकेशन की छुट्टी लग गई है पूरे एक महीने की। अब तो मैं ये पूरा एक महीने इतना ज्यादा एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, बहुत एंजॉय करूंगी। चलो अब जल्दी से ये ऑफिस में जाकर रख देती हूँ। दोस्तों ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।